हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा वीडियो पिछले सारे वीडियो से काफ़ी अलग है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और हमें 1000 सब्सक्राइबर्स के गोल तक पहुंचने में हेल्प करें, जिससे हम इसी तरह आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहें। अगर आप ऑलरेडी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। हर साल हमारे घर के नींबू के पेड़ पर बहुत सारे लेमन बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें से एक भी पूरा मैच्योर होकर बटरफ्लाई नहीं बन पाता है। उसका कारण यह है कि ये जब इस तरह से मैच्योर हो जाता है तो इसे बर्ड्स आकर उठा ले जाती हैं। थोड़े दिन पहले हमारे प्लांट में अनकाउंटेबल कैटरपिलर्स थे और अब ये सिर्फ एक आखिरी बचा है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि इस बार हम इस कैटरपिलर को बचाएंगे और पूरा बटरफ्लाई तक बड़ा होने का मौका देंगे। अटैक होने पर ये कैटरपिलर कुछ इस तरह से बिहेव करता है, लेकिन वो भी बर्ड से इसे सेव नहीं कर सकता और यही रीज़न है कि बहुत सारे कैटरपिलर्स आखिर तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। बटरफ्लाइज की पॉपुलेशन भी दिन पर दिन कम होती जा रही है और जैसा कि आप जानते होंगे कि बटरफ्लाइज देखने में अच्छे होने के साथ साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम भी करती है नेचर के लिए, पॉलिनेशन। वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पॉलन ग्रेन्स को ले जाती है और इस तरह हमारे फूड डेवलपमेंट में हेल्प होती है। तो चलिए एक जर्नी पर चलते हैं और देखते हैं हमने इस कैटरपिलर को कैसे बचाया। तो सबसे पहले हमको एक ग्लास का जार लेना है। ये जार इतना बड़ा होना चाहिए कि इसमें कैटरपिलर चारों तरफ घूम घूम कर पत्तियाँ खा सके और जब बटरफ्लाई निकले तो उसको भी बैठने की काफ़ी जगह मिले। वैसे तो ये जार साफ है, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार पेपर डालकर अंदर से बाहर से हर तरफ से ऐसे रब करके साफ कर लेंगे। हमें कोशिश ये करनी है कि जार के अंदर भी हम वैसा ही क्लाइमेट बना कर रखें जैसा कि बाहर नेचर में है। इस जार के बॉटम में आप चाहे तो ऐसे पेपर शेडिंग्स डाल सकते हैं या फिर आप थोड़ी सी सॉइल भी डाल सकते हैं नीचे की तरफ और फिर उस पर इस तरह थोड़ा सा पानी छिड़क दें। इसका मेन मोटिव ये है कि जार में ह्यूमिडिटी बनी रहनी चाहिए। अब यहाँ हमें होस्ट प्लांट की पत्तियों को ही इस जार में ठीक तरह से प्लेस करना है। आपका कैटरपिलर जिस भी प्लांट का हो उसी प्लांट की लीव्स को हमें इस जार में रखना है। हमारे पास जो कैटरपिलर है वो लेमन बटरफ्लाई का कैटरपिलर है, इसलिए हमने नींबू के पेड़ की पत्तियाँ ही इस जार में रखी हैं। पत्तियाँ फ्रेश हों, किसी भी तरीके से उन पर कोई फंगल या बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अब इस कैटरपिलर को हम लोग जार में प्लेस करेंगे। ये काम हमें बहुत ही केयरफुली करना है और धीरे से आराम से करना है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ये कैटरपिलर एक दो मिनट का समय लेगा जार के इस नए माहौल के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए और उसके बाद ये फिर से लीव्स खाना शुरू कर देगा। अगर ये पत्तियाँ खाने लगता है मतलब सब कुछ नॉर्मल है। अब
अब ये इसी तरह से लीव्स खाता रहेगा। आपको फ्रेश लीव्स इस जार में डालते रहना है फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कैटरपिलर उल्टा लटक गया है ब्रांच से, और अब ये खाना बंद कर चुका है और अब इसी तरह ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा। बटरफ्लाई जस्ट बाहर आई है प्यूपा से और आप देख सकते हैं कि इसके विंग कितने फोल्डेड हैं और छोटे से हैं। धीरे धीरे आप इन विंग्स को बड़ा होते हुए देख सकते हैं। इस स्टेज पर बटरफ्लाई सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होती है। जब ये प्यूपा से जस्ट बाहर आती है तब इसके विंग्स उड़ने के लिए रेडी नहीं होते हैं, और ऐसे में कोई भी बर्ड इसको आराम से अटैक कर सकती है। यहाँ ये एक जार के अंदर है और हम इसकी क्लोज मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, इसलिए ये सेफ है पूरी तरीके से। ये जैसे ही उड़ने के लिए तैयार हो जाएगी हम इसको नींबू के पेड़ पर जाकर छोड़ देंगे, वहाँ से ये अपनी फ्लाइट ले सकती है। इस तरह से ये अपने विंग्स को रेडी कर रही है उड़ने के लिए। धीरे धीरे इसके विंग्स के जो कलर्स हैं वो और ज़्यादा ब्राइट होते जा रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं कि ये उड़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। सो वी आर बैक टू द लेमन ट्री और अब हम इसको पेड़ पर रखने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार से हम एक तितली के जीवन को बचाने में सफल हुए। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। हम आपसे सिर्फ यही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हम इसी तरह से आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहें।